ये है अपना देसी उल्लू दोस्तों जिसका तकनीकी नाम इसको बोलते हैं इंडियन ईगल आउल ठीक है तो ईगल आउल बोलते थे बड़ा सा होता है इसके जब पंख फैलते हैं छह फीट तक फैल जाते हैं इसके पंख तो काफी मतलब प्रोटेक्टिव काफी खतरनाक है देखने में ये एक तरह सिंह बने हुए छोटे लगता है देखने में ये सिंग बने इसके सर पैसे लगता है देखने में ठीक है आइए बात करें रिपोर्ट आइए दोस्तों पास सिंधु में पूरा एक टॉपिक आया था हिंदू में इस टॉपिक कवर करने के लिए हमने देख लिया दोस्तों आपके साथ ये टॉपिक था इंडियन ईगल आउल आइए बात कर रहे हैं इसमें उसमें रिपोर्ट में क्या क्या था अपने लिए ठीक है कुछ पॉइंट पढ़ के रखे आप इंडियन ईगल आउल दोस्तों रिपोर्ट छोटी सी डेटा जानकारी हमारे पास आई है पहले हम ये करते थे भारत में मिलता है इंडियन ईगल आउल आपको इंडिया मिल जाएगा ये एक ऐसी यूरोप में मिलता है आउल उर्दू यूरोप में मिलता है दोस्तों एक उसका नाम है क्या उसका नाम है दोस्तों यूरेशियन ईगल आउल ठीक है यूरेशियन ईगल आउल है हम मानते दोनों एक ही हैं पहले लेकिन अभी पता लगा है दोनों अलग अलग हैं ठीक है तो खबर छोटी सी यही है केवल क्या भारतीय ईगल उल्लू को हाल ही में यूरेशियन ईगल उल्लू से अलग प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया तो यूरेशियन उल्लू अलग है वो वाले उल्लू अलग है यूरोप वाले हमारे भारतीय उल्लू अलग है ठीक है दोस्तों पहली बात खबर आ गई काम की अब आजो कुछ जानकारी इकट्ठा करने उल्लू के बारे में फिर हम लोग यहाँ पर इससे हम लोग दोस्तों भारतीय ईगल उल्लू कहते हैं ईगल उल्लू या सिंपल रॉक उल्लू चट्टानों बैठता है मुख्यतः ये तो इसे आउल और रॉक ईगल आउल भी कहते हैं चट्टानों बैठता है मुख्यतः ये पेड़ बैठा मिल जाएगा चट्टानों बैठता है कई बार ये ठीक है दोस्तों ये अपने यहाँ में थोड़े से छोटे छोटे सिंह भी होते हैं सिंह मतलब क्या होते हैं वो एक प्रकार से लगता है देखने में आकृति सिंह बन जाते हैं बताया मैंने आपको ये तो उसके इस प्रकार से आकार होते है। दिखते हैं सीन दिखते हैं वो ठीक है तो इसको सिंह वाले उल्लू भी कहते हैं, हैं दोस्तों हम लोग कहा मिलती है पहाड़ों पर चट्टानों पर मिलती है दोस्तों तो ये ठीक है हल्के ग्रे कलर का होता है ब्राउन कलर का होता है भूरे रंग का होता है दोस्तों काली छोटी धारियां होती हैं आयुषीन स्टेटस क्या है इसका सबसे कम चिंतित यानी कि लीस्ट कंसर्न हमको है बहुत संख्या में उल्लू तो बहुत ही यार मतलब हर जगह बैठे होते हैं ठीक है हर जगह बैठे होते हैं उल्लू तो हर तमारे पास बहुत है कमी नहीं है उल्लुओं के तो लीस्ट कंसर्न इनके बारे में ठीक है तो लीस्ट कंसर्न इनके बारे में है दोस्तों हम लोग बात करें दोस्तों हम लोग सबसे कम चिंतित वाला काम है इसका लीस्ट कंसर्न होते हैं हम लोग इसके बारे में दोस्तों ठीक है अब बात करें इसकी विशेषताएं क्या है इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं इस उल्लू जो हमारे भारतीय ईगल उल्लू है इनकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं अगर इनकी बात करें दोस्तों तो पहला पॉइंट मिलेगा हमको यहाँ पर विशिष्ट प्रजाति वाले मैंने आपसे कहा कि यूरेशियन उल्लू से अलग है तो पहला पॉइंट आपके लिए यूरेशियन उल्लू से अलग याद रखेगा ये ठीक है बताया इस पंखों का फैलाव होता है तो छह फीट तक पंख फैल जाते हैं इसके तो बड़ा काफी बड़ा विशाल होता है अपने आप में ही अलग दिखता भी है उसके साथ बहुत आकार बड़ा होता है इसका नॉक्टर्नल है दोस्तों रात में घूमता है तो लू रात में घूमते हैं आमतौर तो पर ठीक है तो लू रात में घूमेंगे दोस्तों नॉक्टर्नल नेचर का होता है तो चूंकि नॉक्टर्नल होता है ये तो हमारा राइटर जो वहां पर लिखा है उसने बार बार ये लिखा है कि हम पक्षियों की गणना करते हैं पक्षियों बहुत कुछ जानते हैं चूंकि नॉक्टर्नल है और रात में निकलता है इसलिए इसका अध्ययन बहुत कम हो पाता है इस पर रिसर्च बहुत कम है हमारे पास तो अब तक अब यही मानते दोनों उल्लू एक ही सोचिए इतने सालों बाद भी अब मानू पड़ा कि अलग है वो तो तो नॉक्टर्नल नेचर होने के का ने कारण इसका रिसर्च बहुत कम हो पाया है इसके रहस्य की आभा बनी रहती है कहीं ना कहीं बहुत सीमित ज्ञान होता है इसका हमारे पास खतरनाक दिखता है कई बार अपने आप में बताया छह फीट का मतलब सोचिए चौड़ा तो पंख फैलते हैं छः फीट कितना होता है बड़ा सो हो गया ढाई फीट का साइज दिखता है तो बड़े अपने आकार का होता है चट्टाने बैठा हुआ दूस लगता है मतलब कुछ कोई जानवर बैठा है बड़ा सा वहाँ पर रात में तो ऑफकोर्स थोड़ा सा बड़े आकार का है तो थोड़ा डरावना होता होगा और इसीलिए हमारे ना आ, कई प्रकार के थ्रेट अंधविश्वास मनप गए उल्लू के साथ जानते हैं, बहुत है उल्लू के तो तो ग्रामीण भारत में बहुत में हालांकि हाला लक्ष्मी, लक्ष्मी जी हाँ तो अंधविश्वास भी हमारे यहाँ जुड़ा हुआ इसके साथ और साथ में मिथोलॉजी कहानियां भी जुड़ी इसके साथ ठीक है तो अपशकुन का वाहनी माना जाता है ठीक है और इसकी तेज डबल हुट आवाज अंधविश्वास जुड़ा जाता है मतलब ये ऐसा बोलता है जब चिल्लाता है या जब आवाज करता है तो लगता है वो डराने लगता है अपने आप में तो वो भी एक प्रतीक है अपने आप में दोस्तों और ऐसा माना जाता है अगर कोई इसको पकड़ लेना उल्लू को और बंद कर दे खाना पीना ना दे सो कुछ सालों तो कुछ महीनों तक अगर तो ये धीरे धीरे क्या करेगा ये आदमी की आवाज में मोल लगता है मतलब ऐसे ही मान्यताएं मान्यता है में चलती है दोस्तों लिखा भी है राइटर ने लोग क्या पता तो चलता है कि जब फंसा हुआ और भूखा होता है उल्लू तो भारतीय चील जो भारतीय उल्लू है अपने श्रोताओं के भविष्य की भविष्यवाणी करते हुए मानी आवाज में बोलता है बताता है भविष्य बताता है उनको तुम्हारा ऐसा होगा तुम्हारे संग ऐसा होगा लड़ाई होगी तुम्हारी मौत होने वाली है मतलब इसको भूखा रख दो उल्लू को तो ये बता देता है वो यहाँ पर तो ये अंधविश्वास भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारे साथ उल्लू के साथ बाकी इकोलॉजी का बहुत है अपने आप में इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है उल्लू का क्योंकि उल्लू क्या करता है ना ये कई प्रकार के जीवों से बचाता है अपने कई प्रकार जीव अटैक कर सकता है ये रात्रि शिकारी जीव होता है ये तो ऐसे में कई जीवों को मारता है ये तो किसान भाई चाहते हैं हमारे खेत के आसपास घोषणा लाले अपना ये खेत के आसपास रहे हमारे तो खेत के आसपास जब ये रहता है तो वहां बहुत सारे जीव जंतु आए हो जाते हैं खेत से वो नहीं आते वहां पर जी हाँ तो खासकर चूहे वूहे नहीं आते हैं वहाँ पर तो आ, कई बार इगर का चूहों को बैडी बैंडीकूट जो होते हैं कई बार जो छोटे जीव होते हैं उनका खुले में शिकार करता रहता है ये और इसलिए क्या होता है ये कृषि इलाकों के आसपास इनका अगर घोंसला बना लेते हैं तो उल्लू की संख्या अधिक देखी भी जाती है कहीं ना कहीं वहाँ तो चूहे बहुत होते हैं कृषि फसलों के आसपास वहाँ उल्लू का वास भी काफ़ी अच्छा होता है तो उल्लू अपने आप में जोड़ दिया जाता है दोस्तों हमारे साथ कृषि के साथ यहाँ पर जी हाँ लक्ष्मी का वाहन तो इसलिए शायद जोड़ते होंगे हमारे यहाँ पर खेत संपदा हो रही है उल्लू देख कर रहा है उसकी खेत संपदा मतलब संपदा हो रही है यहाँ पर जोड़ा जाता है वो कहानी के रूप में वट एवर हमारे अभी काम का क्या मैं बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता हूं उस बारे में तो बहुत सीमित ज्ञान रखूंगा लेकिन हाँ हमारे मिस लिखा भी नहीं मैंने इसके अंदर हम बात करें पर्यावरणी संबंधों के दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो उल्लू की हम बात कर रहे हैं तीन चार पॉइंट है याद रखेगा उम्मीद करो टॉपिक क्लियर हो गया होगा आगे बढ़ेंगे आपके साथ आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से जैसे आप जानते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स का बैच आ रहा है अपना ग्यारह फरवरी ग्यारह अगस्त से आप लॉन्च ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों फीस आपके सामने भी डिस्काउंट में है फीस यूज करना कोड में राशवा थ्री इस कोर्स की विशेषता क्या है जहां पर आपका पूरे साल का करंट अफेयर्स चलेगा दोस्तों अभी से लेकर अप्रैल 2024 तक पूरा करंट अफेयर्स डेली क्लास होगी इसमें आपकी इसके अलावा जो प्रीवियस हुआ है मतलब 18 महीने करंट अफेयर्स हम कराने का प्रयास करेंगे पूरा इसमें हिंदू एक्सप्रेस पीआईबी सब कुछ होगा जो जानते हैं जुड़े रहे कई आ, कई बार आ, कई लगातार हम जुड़े रहे हैं दोस्तों तो बच्चे जुड़ सकते हैं मेरे साथ यहाँ पर सी सी ए बैच कम्पलीट करंट अफेयर्स बैच आपका दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा ये बैच आप देख सकते हैं नौ महीने चलेगा बैच लगभग आपका बाई होगा दोनों क्लास में पी डी एफ होंगी आपकी